हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड को लेके। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टाइप था, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एमएस वर्ड को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या फिर यहां से आप क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। या फिर हम लोगों ने दूसरे टाइप का डिस्कस किया था, जिसको हम लोग रन कमांड के नाम से भी जानते हैं। रन कमांड के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ता है, विंडो प्लस आर। क्या प्रेस करना पड़ता है, विंडो प्लस आर। उसके बाद आपका रन कमांड जैसे ही ओपन होता है, वहां पे आपको लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है दोस्तों, विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको आपका एमएस वर्ड आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके काम करना है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है। तो जैसे क्या करते हैं, आप एक कॉपी परचेस करते हैं, तो उसके अंदर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं। अब उस पेज में कुछ भी काम करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो कॉपी में यूज होने वाले टूल्स को हम लोग पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, इन्हीं सब के नामों से जानते हैं। लेकिन एमएस वर्ड इट मींस इस डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज में हम लोग यूज करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यही सब इसके क्या है, टूल है। हम लोगों ने बात किया था कि ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, तो टॉप वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में आपको कई चीजें मिली थी, जिसमें हम लोग का फर्स्ट था ऑफिस बटन। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है एमएस वर्ड की, ये एमएस वर्ड का 2019 स्टूडेंट वर्जन है। इसमें कुछ चीजें अपडेटेड है, लेकिन 2007 या 2012 या 2002 में आपको ऑफिस बटन ही मिलेगी। तो जो सिस्टम, जो फंक्शन आपको ऑफिस बटन में मिलती है, इससे पहले वाले वर्जन के एमएस वर्ड में, वो चीजें आपको यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एमएस ऑफिस के सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जिसको हम लोग ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। वो लेटेस्ट में आपको फाइल मेनू के अंदर दिया गया है। तो जैसे ही फाइल मेनू को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सबसे पहला कमांड है, पहला फंक्शन है, उसका नाम है न्यू। क्या नाम है दोस्तों, न्यू। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नए डॉक्यूमेंट पेज को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो वहां पे आपको टिक करना है कंट्रोल प्लस एन को। अब बात करते हैं होता क्या है। तो कंट्रोल एन करने पे या फिर आप यहाँ पे न्यू क्लिक करते हैं, तो आपका एक नया एमएस वर्ड, नया डॉक्यूमेंट पेज ओपन हो जाता है। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इट मीन एक तरह से हम कह सकते हैं एक नई कॉपी हमने ले ली। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका एक नया एमएस वर्ड ओपन करने की परमिशन देगा। फिर से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एन करने पे भी आपका क्या होगा, वो नया डॉक्यूमेंट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन का। तो ओपन कमांड क्या करता है, ये हमको एक फीचर्स प्रोवाइड करता है, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अगर पहले से हमारा बना हुआ कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, तो उसको रीओपन करके, रीलोड करके हम उसपे कोई चेंजिंग या कुछ भी वर्क करना है, मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव है, सेव एज है, प्रिंट है। तो धीरे धीरे इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ। काम क्या होता है इसका, तो ये आपको पुराने आपके एमएस वर्ड की फाइल को रीओपन करने की परमिशन देता है, आप उस पर वापस से कोई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, इसी को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्क्रीन है आपकी, इसी को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड एरो की दिख रहा होगा, एक राइट साइड एरो सिंबल दिख रहा होगा। तो जो लेफ्ट साइड सिंबल दिख रहा है, लेफ्ट साइड एरो है, उसको हम लोग अंडू के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये
कई सारे सॉफ्टवेयर में ये शॉर्टकट की ये सेम होती है आपको अंडू करने के लिए। अंडू करने का मतलब आपको एक स्टेप बैकवर्ड लेके जाता है। नेक्स्ट है आपका रीडू, तो ये जो ये वाला सिंबल इसको हम लोग रीडू के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है वन स्टेप फॉरवर्ड करता है, इट मीन्स आपको आगे की ओर ले जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेव का, सेव मतलब आप अपने फाइल को जो बना रहे उसको सेव कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। और हम लोगों ने इस बात पे भी डिस्कस किया था कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इट मीन्स यहाँ से आप किसी और ऑप्शन को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर पहले से जो ऑप्शन ऐड है उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का टाइटल क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट वन होता है, और यहाँ पे आपको तीन बटन दिख रहे होंगे जिसको हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो ये क्या होता है आपकी स्क्रीन से रिमूव होकर सिर्फ कहाँ पे दिखता है, टास्क बार में। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज। तो कभी आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होया उसका सेव कुछ भी हो, उस कंडीशन में क्या होता है आप जब भी कभी मैक्सिमाइज करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन की साइज होगी वो उसकी स्क्रीन की साइज को साइज के अकॉर्डिंग उसको फिट कर देगा। लास्ट बटन है आपका कंट्रोल सॉरी क्लोज या कट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होके आती है, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें आपको हमने डिस्कस किया था, आपको हमने बताया था कि यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं जिसमें सेव होता है, डू नॉट सेव होता है, कैंसिल होता है। यहाँ पे बात आती है आप अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उसके टाइटल के अकॉर्डिंग उसका नाम एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है आप उसके टाइटल को भी आपको उसके टाइटल में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये 2019 है, इसलिए इसका जो वो है फाइल का एक्सटेंशन है, फाइल का फॉर्मेट है वो .docx है, .docx है, लेकिन इससे ओल्ड वाले वर्जन में आपको .doc मिलता है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे उस फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उस लोकेशन उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो जैसे ही सेव करेंगे, सेव होने के साथ साथ ये आपका सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा। डू नॉट सेव करने पे क्या होता है वो सेव भी नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा, और कैंसिल करने पे ये वाली स्क्रीन कैंसिल हो जाएगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलने वाले थे, हम हर किसी मेन्यू को टैब वर्ड ऐड करके फिर उसके कंप्लीट नेम को किसी को बताते हैं। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे यही पूछा जाता है कि कौन से टैब में ये चीज है, किस टैब से हम लोग ये वर्क कर सकते हैं, कौन से टैब से हम लोग मेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ने वाले हैं, जब भी पढ़ेंगे इसको तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको क्या कहेंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रिफ्रेश टैब, यही सब को हम लोग टैब वर्ड को ऐड करके फिर उसका पूरा नाम लेते हैं। अब बात करते हैं होम टैब में, तो जैसे किसी टैब पे क्लिक करना है तो उससे रिलेटेड ही सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो रहे हैं। अब जैसे ही वो ऑप्शन ओपन होते हैं तो आपको दिख रहा है कई सारी चीजें ब्लॉक वाइज डिवाइड है, तो ये जो लाइन दिख रही है जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा अलग अलग सेक्शन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले वाले ब्लॉक को, तो सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है उसको हम लोग क्लिप बोर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले वाले ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लिप बोर्ड ब्लॉक से, क्लिप बोर्ड ब्लॉक के नाम से। अब बात करते हैं क्लिप बोर्ड ब्लॉक में आपके कितने ऑप्शन है, तो काउंट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपका पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है। तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी डीएक्टिवेट, जैसे कट और कॉपी। तो कट और कॉपी आप किसको करना चाहते हैं, जब आपके पास कंटेंट होगा सिलेक्ट होगा तभी आप उसको कट या कॉपी कर सकते हैं, तभी वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो हम लोग के पास एक फंक्शन और है कुछ भी डमी टेक्स्ट को लाने के लिए, एक कमांड है जिसको हम लोग रेंड कमांड के नाम से जानते हैं। उस रेंड कमांड को यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रेस करते हैं इज इक्वल टू, देन लिखते हैं आर ए एन डी, फिर शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, आपका जो सबसे स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है उसको यूज करना है, ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए। देन आपको प्रेस करना है इंटर, तो आपको कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, आप इस पे कोई भी काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टाइप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी।
तो अब कुछ भी कट कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग के पास तीन तरीके होते हैं, जिसमें पहला है आप माउस के पॉइंटर को लेके जाइए जहां से भी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ से क्लिक से सिलेक्ट करना है, तो हम क्लिक पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे जहां तक भी हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, इट मींस एक्टिव हो चुका है, अब वो वर्क करेगा। तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का सिलेक्ट करने का ये था। दूसरा ऑप्शन है आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एरो की का। तो सबसे पहले आप माउस के पॉइंटर से क्लिक कर दीजिए जहां से भी आपको सिलेक्ट करना है, देन कीबोर्ड की की से आप प्रेस कर लीजिए शिफ्ट, और हम लोग के पास टोटल फोर एरो की, चार एरो की होती है जिसको हम लोग अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की के नाम से जानते हैं। तो आपको जिधर भी सिलेक्ट करना है, अप करना है तो ऊपर साइड जाइए, अप एरो की यूज करिए, लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, जिधर भी आपको करना है। तो दूसरा मेथड तो ये था। थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप हम लोग का कंट्रोल ए, इट मींस आपको अगर पूरे कंटेंट को एक साथ में सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे आपका पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ही कंटेंट सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं माउस से कर लेते हैं इतने कंटेंट को सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो कट के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। अब बात करते हैं ये काम क्या करता है, ये उस कंटेंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो कट करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं। आप पहले तो सिलेक्टेड एरिया में जाके राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक कट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहां से भी कट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं तो भी कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस एक्स भी कर सकते हैं। तीनों मेथड से आप कंटेंट को कट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कट करने पे क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कॉपी भी हो जाता है। अब कॉपी हुआ है तो आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। तो पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां भी पेस्ट करना है वहां पे चले जाते हैं, अपने पॉइंटर को क्लिक कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए भी तीन मेथड, आप यहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आप कंट्रोल वी, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी, वैन वाला वी, तो जैसे ही प्रेस करेंगे वो पेस्ट होता जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड टाइप है, आप राइट क्लिक करके यहां से भी जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स किसकी होती है कट की, एंड कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी का। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉपी का। तो कॉपी करने के लिए सेम चीजें हैं, फिर से आप सिलेक्ट करेंगे किसी भी मेथड से और यहाँ से भी जाके कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया में भी राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल सी का भी यूज करके कॉपी कर सकते हैं और फिर वापस से जहां भी पेस्ट करना है कंट्रोल वी कर दीजिए या राइट क्लिक करके आप यहां से जाके कॉपी कर दीजिए, सॉरी पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप यहां से जाके पेस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि हम लोग का क्या क्या कॉपी हुआ था, क्या क्या कट हुआ था, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक के थोड़ा सा राइट साइड जाएंगे तो एक छोटा सा एरो की दिख रहा होगा आपको, इस एरो की पे कर देना आपको लेफ्ट क्लिक। जैसे ही एरो की पे लेफ्ट क्लिक करेंगे आपके सामने वो कंटेंट दिख जाएगा जो आपने कॉपी किया था। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ तो देखिए तुरंत वहां पे एड हो गया। अब मैं इसको कट करता हूँ तो भी वो यहाँ पे एड हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो जो चीजें कॉपी हो रही हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आप सबको क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हो, या फिर एक साथ में सबको पेस्ट करना चाहते हो तो आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हो पॉइंटर को कर दो क्लिक और उसको कर दो पेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का फॉर्मेट पेंटर। तो पहले तो हम लोग बात कर लेंगे फॉर्मेट पे, जैसे ही फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम लोग फिर बात कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की ओर। तो नेक्स्ट ब्लॉक का क्या नाम है, फॉन्ट ब्लॉक। क्या नाम है, फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन आपका फॉन्ट का होता है, जिसको हम लोग फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली के नाम से भी जानते हैं।
जैसे आप क्या करते हो, अल्फाबेट लिखते हो, अल्फाबेट पढ़ते हो, तो वहां पे आपको फोर टाइप्स अल्फाबेट मिलते हैं। तो यहाँ पे आप वही टेक्स्ट की स्टाइल, वही टेक्स्ट का फॉर्मेट अलग अलग टाइप से मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिटेड होता है। इसके अलावा भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल से डाउनलोड करके उस फॉन्ट को इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस होता है, वो क्या होता है। तो वहां पे आपको टिक करना है कैलिब्री बॉडी। क्या टिक करना है? कैलिब्री बॉडी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और इसके फॉन्ट को कर लेते हैं चेंज। तो आप अलग अलग कंटेंट को अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी जैसी नीड हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहां से आप इस फॉन्ट की साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, सिलेक्ट करिए और यहां से जाके आप डायरेक्टली भी चूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ के नंबर को भी चेंज कर सकते हो, 14, 15 समथिंग जितना भी आप करना चाहते हो। अब बात आती है एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है। तो आपको वहां पे मेंशन करना है 11। क्या मेंशन करना है? 11। और बाय डिफॉल्ट इसकी मिनिमम साइज क्या होती है? 8 होती है, लेकिन इसके पहले वाले वर्जन में कहीं कहीं आपको 7 भी मिल जाता है। तो वहां पे आपको वर्जन भी लिखा हुआ होता है कि 2012 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2007 या 2019। तो वहां पे आप 7 को टिक करना है। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज मैक्सिमम क्या होती है। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? तो यहाँ पे आपको 72 मिल जाएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा होता है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड उसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब आप इसकी फॉन्ट साइज को इस पे क्लिक करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस ग्रेटर देन सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज फॉन्ट। तो डिक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन सिंबल। आप इन दोनों का यूज करके आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है चेंज केस। नेक्स्ट वाले ऑप्शन का नाम है चेंज केस। चेंज केस कितने टाइप का होता है आप काउंट कर लीजिए, आपके टोटल 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, नेक्स्ट है लोअर केस, थर्ड है अपर केस, फोर्थ है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड एंड लास्ट है टॉगल केस। अब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो ग्रामर तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो वहां पे क्या होता है सेंटेंस केस में कोई भी एक लाइन स्टार्ट होती है, कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसकी स्टार्टिंग के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है एंड बाकी का सारा स्मॉल होता है। फिर मान लीजिए फुल स्टॉप हुआ, तो फुल स्टॉप के बाद फिर से जो उस सेंटेंस का पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड का पहला लेटर होगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको सेंटेंस केस में भी, सेंटेंस केस में ही सारा कंटेंट लिखा जाता है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लोअर केस। तो आप कंटेंट को कर लो सिलेक्ट और सभी को क्या कर दो स्मॉल केस में, इट मींस लोअर केस में। तो आपका जो भी कैपिटल था वो सारे करेक्टर आपके क्या होंगे? स्मॉल हो जाएंगे। आप अपर केस में करोगे तो सारे जो भी आपके टेक्स्ट है, वर्ड है, सेंटेंस है, वो सब क्या होंगे? अपर केस में हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब यही है कि उस पूरे कंटेंट का हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका भी कैपिटल है, फिर दूसरे वर्ड का पी कैपिटल है, फिर तीसरे वर्ड का ए कैपिटल है, चौथे वर्ड का पी कैपिटल है। तो सभी वर्ड क्या होंगे? कैपिटल होंगे। एंड लास्ट आपका आता है टॉगल केस। तो टॉगल केस में क्या होता है? आपका पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी का सारा कैपिटल होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी का सारा स्मॉल है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है, यही जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं, या फिर अभी कलर हम लोग मेंशन करेंगे, या फिर कलर चेंज करेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप
सेलेक्ट करके क्या करते हो, उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हो, तो वहां पे जितनी चीजें फॉर्मेटिंग थी, जो भी फॉर्मेटिंग आपने करी थी, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो चेंज केस है, ये कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता, इसीलिए इस केस को वो चेंज नहीं किया है। तो क्लियर, आल फॉर्मेटिंग करने पर आपका सारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है बी आई यू, बी का पूरा नाम होता है बोल्ड, आई का पूरा नाम होता है इटैलिक, यू का पूरा नाम होता है अंडरलाइन, और जो भी शॉर्टकट की बने हैं वो वर्ड के पहले लेटर से ही मिलके ज्यादातर शॉर्टकट की बने हैं। तो बी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी। करता क्या है, ये कंटेंट की विड्थ को बढ़ा देता है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो कंट्रोल प्लस बी, जैसे अब इसको फिर से वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस बी कर दीजिए, या फिर उस पर अनटिक कर दीजिए, वो अपने इनिशियल पोजिशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस आई, इट मींस इटैलिक क्या करता है, थोड़ा सा कंटेंट को टेढ़ा कर देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई, तो आप यहां से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका अंडरलाइन, तो आप कंटेंट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू इसकी शॉर्टकट की है। या फिर आप को यहाँ पे अंडरलाइन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को चूज करके कर सकते हो। नेक्स्ट आप अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू, तो ये कुछ नहीं करता, आपके कंटेंट को बीच से स्ट्राइक कर देता है, क्रॉस कर देता है। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग होती है, जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो क्या हुआ, उसको स्ट्राइक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है सबस्क्रिप्ट, इट मींस अगर बेस पे लिखा हो एक्स के टू, या फिर किसी की कंटेंट के बेस पे लिखा हो, कुछ भी स्मॉल लेटर में, इट मींस स्मॉल लेटर का मतलब ये है कि वो छोटा होगा, उससे उसकी साइज छोटी होगी, तो वहां पे हम लोग उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर उसके पावर पे है तो उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, एंड सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब ये क्या करता है, जैसे आप कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ टेंथ ये यूज करते हैं, या फिर आप मैथ का कोई क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टेंथ लिखना है, तो हम इसको दो तरीके यूज करते हैं, इसको पहले से भी एक्टिव करके कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, लिख ले अपना टेंथ, उसके बाद इसको कर ले सेलेक्ट, और फिर इसको अगर अप में करना है तो सुपर स्क्रिप्ट, बेस में करना है तो सब स्क्रिप्ट, हम यहां से इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। या फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सॉरी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो आप यहां से इसको कर लीजिए सेलेक्ट उतने कंटेंट को, और कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जैसे प्रेस करेंगे वो तुरंत एड हो जाएगा आपके बेस में। फिर वापस से लाना उसी पोजिशन पर, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू फिर से प्रेस कर दीजिए, वो आपने इनिशियल पोजिशन पर फिर से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप अपने टेक्स्ट का ग्लो दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये ग्लो आपको डिफरेंट टाइप से मिलने वाला है, अलग अलग फॉर्मेटिंग में मिलने वाला है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप उसके आउटलाइन को अंदर से जाके मैनुअली चेंज कर सकते हैं, उसके शैडो की टाइप को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के आपको शैडो मिल जाएंगे, रिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ग्लो को चेंज कर सकते हैं, या फिर नंबर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हाइलाइटर, तो जैसे आप कॉपी बुक में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हाइलाइटर के यूज करते हैं, तो आपके हाइलाइटर जो होते हैं वो फिक्स कलर में ही मिलते हैं, वो किसी भी कलर का हाइलाइटर आपको मार्केट में नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी आपके हाइलाइटर के फिक्स कलर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतने कलर होते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं जिस कलर से भी करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान ये इस बात का भी दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसका जो हाईलाइट होता है वो आप देख पा रहे हैं कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, उसके हाईलाइट को क्लियर करने के लिए आपको वहां पे यूज करना होगा नो कलर। एंड फॉन्ट ब्लॉक का जो लास्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को भी दे सकते हो, सेलेक्ट करो, क्लिक करो, आप किसी कलर को भी चूज करके आप उसको चेंज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंडू और रीडू को, वन स्टेप बैकवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ चीजें गलती से डिलीट हो जाती हैं, आप गलती से बैक स्पेस कर दिया, कुछ भी चेंज किए उसको आप कुछ स्टेप तक कुछ हद तक वापस ला सकते हो, या कुछ स्टेप कुछ हद तक आप आगे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कर दिया डिलीट, इसको कर दिया रिमूव, तो यहाँ पे अगर वापस से उसको लाना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप
शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको डायरेक्टली मिल रहा है वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ से दोनों काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जेड आपका किसका शॉर्टकट की है, अंडू का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वापस आ जा रहा है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू का है, कंट्रोल प्लस वाई जैसे ही प्रेस करेंगे वो वन स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, प्रैक्टिकल करने में कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम लोग का एक पॉइंट यहाँ पे बच रहा है फॉर्मेट प्रिंटर, तो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को कर लीजिए लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको कुछ भी मिस यहाँ पे आपका कुछ भी मिस होने वाला नहीं है, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक के लिए, धन्यवाद।